राज्य के कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर ने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और अपने अंदाज में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। कर्नाटक चुनाव की बड़ी जीत के बाद चंद्रपुर बनियानी क्षेत्र के कांग्रेस के राज्य के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर ने भाजपा को और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर करने की मुहिम विदर्भ से शुरू हुई। कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तब उन्होंने नागरिकों की समस्या को अनदेखा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली गई 20 सभाएं और 10 रोड शो भी भाजपा को सत्ता में रखने के लिए नाकाम रहे और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर एक बार जीत कर आएगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया।